किडनी स्टोन यानी गुर्दे की पथरी मिनरल्स और नमक से बनी एक ठोस जमावट होती है। इसका साइज रेत के दाने जितना छोटा भी हो सकता है और गोल्फ की गेंद जितना बड़ा भी हो सकता है। महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के हिस्सों में गुर्दे की पथरी होना आम बात है। औरतों के मुकाबले गुर्दे की पथरी आदमियों में ज्यादा होती है। तो आज बात होगी किडनी स्टोन की और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है यूरोसर्जन और एंड्रोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहम्मद हिदायतुल्लाह। आपका वेलकम है हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू। नाजरीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमारे नंबर्स हैं 01202588111, 01206938489 और 9205287347 पर। आप हमें इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और सेहत से जुड़ा कोई भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं। डॉक्टर हिदायतुल्लाह, जैसे मैंने आज कहा, आज हम बात करेंगे किडनी स्टोन की। बहुत कॉमन है, बहुत आम है, बहुत ज़्यादा लोगों में देखी जाती है। तो अगर हम किडनी स्टोन की बात करें तो हम इसे समझें कैसे, क्या है किडनी स्टोन, आखिर क्यों होता है ये? किडनी, अल्लाह ताला ने हम लोगों को दो किडनी दे रखी है और किडनी का मेन काम है कि बॉडी को फिल्टर करना, जितनी भी ब्लड है, गंदगी ब्लड है, उसको फिल्टर करना और फिल्टर होके यूरिन से पास होता है। लेकिन यही जो चीज़ें फिल्टर होती है वो कभी कभी इतनी मात्रा में फिल्टर हो पाती है कि डाइट बिकम कंसेंट्रेटेड इनटू किडनी एंड देन अल्टीमेटली प्रोड्यूस द किडनी स्टोन और रिनल स्टोन। एंड वो बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट करता है पेशेंट को, बहुत पेनफुल सिचुएशन होता है समटाइम्स, इवन इसके वजह से बार बार कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है और इसको अगर लाइटली लिया जाता है तो कभी कभी किडनी खराब भी हो जाती है और फिर डायलिसिस, किडनी ट्रांसप्लांट, ये एक बहुत ही पेशेंट के लिए इकोनॉमिकली, सोशली और साइकोलॉजिकली इफेक्ट करता है। इसलिए किडनी स्टोन होना इट इज कॉमन इन आवर कंट्री, बट इसको प्रॉपरली डायग्नोज करना, प्रॉपरली ट्रीट करना और इवन आफ्टर ट्रीटमेंट उसको क्या क्या सब्सटेंस, क्या क्या प्रिकॉशन है, क्या क्या लाइफ स्टाइल चेंजेस करना है कि बाद में स्टोन ना हो, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। एंड दिस आई थिंक ऑल आवर कंट्री पर्सन शुड नो अबाउट दिस ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स सो डैट टू प्रिवेंट द किडनी स्टोन फॉर्मेशन इन द फ्यूचर। जी, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि ये रेत के दाने जितने छोटी भी हो सकती है और गोल्फ की गेंद जितनी बड़ी भी हो सकती है, तो आपके पास बहुत सारे केसेस आते होंगे। नॉर्मली क्या साइज दिखते हैं, कितनी बड़ी किडनी में जो है स्टोन्स होते हैं? नॉर्मली किडनी में स्टोन जो बता रही हैं आप, स्मॉल टाइनी कंक्रीशन जिसको कहते हैं, 2 mm, 3 mm की भी हो सकते हैं। रिसेंटली मैंने ऑपरेट किया, 7 cm तक भी स्टोन थे। अच्छा, तो बड़े बड़े स्टोन जिसको एस्टाघोन कल्कुलाई कहते हैं वो भी हो सकते हैं। मोस्टली स्टोन 1.5 to 2.5 cm के बीच में मिलते हैं जो इंडियन सेटअप में जी। लेकिन कुछ इलाका है जो अपने देश का, वहाँ पे बड़े बड़े स्टोन भी मिलते हैं, जो स्टोन प्रोन रीजन है वहाँ पे एस्टाघोन 3 cm, 4 cm, 4.5 cm, 5 cm, इतने बड़े बड़े स्टोन मिल सकते हैं। जी जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं हैदराबाद से। हेलो हेलो हेलो, जी 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 जी, बताएं क्या सवाल है आपका? मैं खालिद। जी जी, खालिद भाई। जी खालिद साहब, क्या सवाल है, पूछे। जी मैडम, मेरे को जो है ना 1982 से, जी 1982 से मेरे को किडनी में कंकर है। जी हाँ मैडम, डॉक्टर साहब से ये सवाल करना था मेरे को। जी ना, आपको 1982 से जो है किडनी में इनके स्टोन है, स्टोन किडनी है। में स्टोन है सर जी, कितने बड़े स्टोन है आपको अभी? 1982 से कंकर है, 3 mm का कंकर था मेरे को। जी अभी लास्ट जो अल्ट्रासाउंड हुआ उसमें कितने बड़े स्टोन है आपको अभी जो है ना? एक टाइम तो मेरे को ना यूरिन से, हेलो, यूरिन से पास होगा था सर वो मेरे को। बाद में जो है ना 4 mm का आया मेरे को जी, जो मैं यूरोलॉजिस्ट को बताया यहाँ पे, तो यूरोलॉजिस्ट ने जो है ना मेरे को मेडिसिन दिए, पानी ज्यादा पियो बोले जी, तो उसमें तो मेरे को नहीं निकला। तो मैं जो है ना आयुर्वेदिक मेडिसिन स्टार्ट किया जी, आयुर्वेदिक मेडिसिन से मेरे को जो है ना यूरिन से पास हुआ जी। तो ये इसके लिए मैं ये डॉक्टर से ये पूछना चाह रहा हूँ, ये किडनी स्टोन के लिए क्या हम एलोपैथी मेडिसिन लेना चाहिए, क्या आयुर्वेदिक मेडिसिन लेना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन सर। आपका 4 mm स्टोन था,
4 mm, 5 mm, इवन 6 mm तक स्टोन खुद ही पास हो जाते हैं, जो पानी की वजह से, आप पानी ज़्यादा लें, इतना 3 लीटर 3.5 लीटर पानी लें, ये खुद ही पास हो जाए। इसके लिए आपको बहुत कोई स्पेशल मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कोई डॉक्टर आपको स्पेशल मेडिसिन दिए होंगे 4 mm के लिए, एक निकालने के लिए। और मोस्टली इट पास स्पॉन्टेनियसली, जो उसको कहते हैं खुद से पास हो गया, जिसका क्रेडिट आप किसी और मेडिसिन को दे सकते हैं, लेकिन दिस इज नॉट फैक्ट। कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं, आयुर्वेदिक मेडिसिन कह रहे हैं, इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। ऑब्वियसली एलोपैथी मेडिसिन स्लाइटली कॉस्टली एज कम्पेयर टू द आयुर्वेदिक मेडिसिन। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई चीज़ कॉस्टली है और कोई चीप है, चीप आपको इफेक्टिव है, तो बेटर कि गवर्नमेंट शुड ऑल्सो अप्लाई द चीप मेडिसिन। बट ऐसा कुछ साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि आप आयुर्वेदिक मेडिसिन इज वेरी इफेक्टिव फॉर स्टोन। मोस्टली जो स्टोन निकलने वाले होते हैं वो खुद से निकल जाते हैं, डेट रिमूव ओनली बाय द टेकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर। ऐसा कुछ नहीं है कि आप मेडिसिन से गल गए, स्टोन एक बार बन गए तो कोई गलते नहीं है कुछ स्टोन को छोड़ के। जैसे यूरिक एसिड का भी जो सॉफ्ट होते हैं स्टोन, वो निकल जाते हैं, गल जाते हैं, लेकिन मोस्टली स्टोन खुद से पास होते हैं। तो वो आपको पानी के वजह से निकले हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है कि आपके मेडिसिन से निकले हैं। जी, एक कॉलर हमारे साथ और जुड़े हैं राजस्थान से। हेलो हेलो हेलो, लगता है किसी वजह से हमारा इनसे रابطہ नहीं हो पाया। जैसे अभी जिन्होंने हमें कॉल किया था, तो इनके बहुत लंबे टाइम से जो है स्टोन है, तो अगर कोई इस तरह से अवॉइड करे, क्योंकि काफ़ी साल हो चुके हैं, तो क्या क्या खतरे हो सकते हैं? जी, अगर किडनी स्टोन को लाइटली लिया जाए, उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेट, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया जाए, तो वो स्टोन कभी कभी आकर पेशाब के रास्ते में, जिसके यूरेटर कहते हैं, यूरेटर में आकर फंस जाता है। और इनिशियली वो बहुत सीवियर पेन करता है, लेकिन बाद में पेन कम हो जाता है और ख़त्म हो जाता है, पेशेंट को लगता है कि स्टोन पास हो गया। ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में क्या होता है कि शुरू में यूरिन ट्राई टू पुश द स्टोन, तो उसको पेन होता है, लेकिन बाय टाइम क्या होता है, किडनी का फंक्शन कम होने लगता है। और जब फंक्शन कम होने लगता है, जिसके वजह से पेशेंट को पेन भी कम हो जाता है और वो लाइटली लगता है, चलो कोई बात नहीं, निकल गया, सब कुछ सही है, लेकिन बाय टाइम इफ़ यू फॉर मंथ प्रोलोंग और 6 महीना 1 साल के बाद जब टेस्ट किया जाता है, पता चलता है किडनी आपकी खत्म हो गई, किडनी काम करना बंद कर दिया। अल्लाह ताला ने हम लोग 2 किडनी दे रखा है, इसलिए पेशेंट को बहुत सिम्टम नहीं आता है। अगर दूसरी भी बंद हो गया तो फिर तो आपका किडनी खराब हो गया और आपको फिर तो डायलिसिस या ट्रांसप्लांट ऐसी जरूरत पड़ती है। यही स्टोन कभी कभी इन्फेक्शन जमा कर देते हैं, जैसे पेशाब कहीं भी जमा होता है उसमें स्मेल आता, बदबू आता, सपोज वो किडनी के अंदर पेशाब जमा है, तो ओबियसली इन्फेक्शन होगा, वह इन्फेक्शन किडनी को खराब कर देता है। वो इन्फेक्शन यहाँ तक किडनी से निकल के उसके चारों तरफ बॉडी का और पार्ट में चला जाता है। ऐसे लोगों को सेप्टिक, जिसको इसी बारे में सेप्टिक कहते हैं, यूरोसेप्सिस भी हो जाता है, और किडनी खराब और फिर से डायलिसिस और ट्रांसप्लांट, इकोनॉमिकली पेशेंट को भी प्रॉब्लम होता है, पेशेंट को साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम होता है। इट इज बेटर टू ट्रीट द थिंग्स कि उसको बस पाल के रखें। जी, हैदराबाद से एक कॉलर हमारे साथ और जुड़े हैं, नवाब गालिब। हेलो। हाँ, हेलो मैडम। हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका? हाँ मैडम, मेरा सवाल ये है। जी जी, सवाल बताएं, क्या सवाल है? सवाल ये है कि मैं किडनी पेशेंट हूँ और 9 महीने से डायलिसिस करवा रहा हूँ। जी, तो डॉक्टर साहब मुझे ये बोले थे कि तुम्हारा क्रिएटिनिन अगर कम हुआ तो मैं शेड्यूल चेंज करूंगा। तो मेरा शेड्यूल था वीक में 3 दिन, पीर, चार शंबा और जमा। तो जब मैं पहली बार क्रिएटिनिन मेरा 8.5 था, अभी 3.5 है, और मेरा पोटाशियम विटामिन जो है पूरे नॉर्मल है, तो क्या मैं शेड्यूल चेंज कर सकता हूँ? जी सर, आप एक रिपोर्ट पे शेड्यूल चेंज नहीं कर सकते हैं, सिर्फ ब्लड रिपोर्ट पे ही किडनी डायलिसिस का शेड्यूल डिपेंड नहीं करता है। आपका वेट कितना इंक्रीज हो रहा है, आपका इंटेक और आउटपुट कितना है, बाकी पोटेशियम क्रिएटिनिन कैसे रेज हो रहे हैं, आपको किडनी फेलियर के जो सिम्टम हैं वो कैसे फ्लक्चुएट कर रहे हैं। अगर आप स्टेबल हैं, पोटेशियम भी नॉर्मल है, क्रिएटिनिन भी नॉर्मल है, यूरिन थोड़ा बहुत आ रहा है, वेट इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो आपको नेफ्रोलॉजिस्ट वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको चेंजेज बहुत जल्दी से आ रहा है, आपका वेट इंक्रीज हो रहा है, आपको पोटेशियम पे फर्क पड़ रहा है, आपके सिम्टम्स आ रहे हैं, देन तो नेफ्रोलॉजिस्ट जैसे आपका शेड्यूल रखे हैं वैसे ही बेटर रहेगा। जी,
کشمیر سے ایک کالر ہمارے ساتھ جڑے ہیں, فاروق احمد. ہلو. ہاں ہلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سوال بتائیں, کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا دوست بیٹھا ہے یہاں پہ میرے سامنے, جی اس کو یہ کڈنی میں سٹون ہے, اس کے بارے میں ہمیں یہ دوائی بھی. ایج کتنا, ایج کتنا آپ کا دوست کا؟ جی آپ کے ایج کا, عمر کتنا ہے دوست کا؟ عمر 14. اچھا 14 ہے. کتنے بڑا پتھری ہے اس کو؟ 40. اوکے. پتھری کتنے بڑا ہے جی؟ پتھری کا سائز کتنا بڑا ہے؟ اسٹون کا سائز کتنا بڑا ہے؟ یہ بتائے گا, خود ہی بتائے گا بات. جی بتائیے. ہلو. جی بتائیے, آپ کا اسٹون کا سائز کتنا بڑا ہے؟ ڈاکٹر میرا کچھ 4 سے 5 ایم ایم ہے. اچھا آپ کو پرابلم کیا ہوتا ہے؟ ابھی پہلے پرابلم ہوتا تھا مجھے, تھوڑا بیچ میں پیشاب میں جلن ہوتا تھا, تو اس کے بعد میں نے دوائی لی تھی, باہر سے منگائی تھی, یہ ڈاکٹر صاحب سے باہر آیورویدک دوائی. اچھا آپ نے کیا کیا تھا, الٹرا ساؤنڈ میں پتہ کرایا تھا کہ سی ٹی اسکین کیا تھا اس کے لیے؟ الٹرا ساؤنڈ میں میں نے پتہ کرایا. اس میں کڈنی میں سوجن تھا کہ نہیں؟ نہیں سوجن نہیں تھا, لیکن اسٹون تھا. اسٹون کہاں پہ تھا, اوپر کے تھا, بیچ میں تھا, نیچے تھا, کہ راستے میں پھنسا ہوا تھا؟ نہیں راستے میں نہیں تھا, کڈنی میں تھا, ایک رائٹ میں ایک لیفٹ میں. اچھا ایسے کڈنی میں 4 ایم ایم 5 ایم ایم اسٹون تھے آپ؟ جی. تب سے میں نے دوائی کچھ 5-6 مہینے دوائی کھائی, تو اس کے بعد میں نے ٹیسٹ کیا تو وہ ویسے ہی تھا. پھر میں پانی کا استعمال کر لے کے, پین شیئر مجھے نہیں ہوتا ہے, لیکن اگر میں پانی کم پیتا ہوں تو مجھے تھوڑا سا پیشاب میرا تھوڑا پیلا پڑ جاتا ہے. جی وہ تھوڑا سا مجھے کڈنی میں اس سائڈ میں, رائٹ سائڈ میں تھوڑا تھوڑا پین, کچھ اگر کچھ گرم چیز میں کھاتا ہوں جی اس سے تھوڑی پرابلم ہوتی ہے. جی جی. تو پھر میں نے وہ دوائی ابھی بند کی ہے, میں نے ابھی میں کچھ نہیں کھا رہا ہوں, تنگ آ گیا ایک ساتھ سے دوائی. جی جی جی. دیکھیے 4 سے 5 ایم ایم اسٹون جو کڈنی میں ایک طرف پڑی ہوئی ہے اور راستے میں رکاوٹ نہیں کر رہی ہے تو اس سے کچھ ہوتا نہیں ہے, اس کو موسٹلی ایسے چھوڑ دیا جاتا ہے. آپ اس کے لیے پانی پیئے. اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کس وجہ سے ہوا ہے اور یہ کیوں بار بار بن رہا ہے, تو آپ 24 گھنٹے کے پیشاب کا ٹیسٹ کروا سکتے ہیں. کچھ بلڈ کٹ بھی ٹیسٹ ہوگا جس کے وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اسٹون کس کیمیکل سے بنا ہوا ہے, اور اس کیمیکل کو آپ پریکاشن لے سکتے ہیں, اس کیمیکل کے لیے میڈیسن لے سکتے ہیں. موسٹلی اس طرح کے اسٹون ڈیزولو ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی یہ اسٹون نکل کے آ کے پیشاب کے راستے میں آتے ہیں, کبھی کبھی پرابلم بھی کرتے ہیں, پین بھی ہوتا ہے پیشنٹ کو, یہاں تک کڈنی میں سوجن بھی ہو جاتا ہے. تب اس وقت آپ کو ٹریٹمنٹ کرنا ضروری ہے, ان سرجیکل فارم میں, کبھی کبھی میڈیسن سے بھی نکل جاتے ہیں. لیکن 4 سے 5 ایم ایم کے وجہ سے آپ کو تکلیف نہیں ہے, اور 4 سے 5 ایم ایم پتھری اگر کڈنی کے اندر ہے تو اس سے انفیکشن نہیں ہوتا, موسٹلی نہیں ہوتا, ہو سکتا ہے لیکن موسٹلی نہیں ہوتا ہے. انفیکشن اسی وقت ہوتا ہے جب وہ اسٹون آ کے پیشاب کے راستے میں پھنسے. تو جی اگر ہم اس کے سمپٹمس کی بات کریں, اگر کوئی پیشنٹ ہے اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کی کڈنی میں اسٹون ہے, تو اس کے سمپٹمس کیا کیا ہوں گے؟ اگر پیشنٹ کو سمٹمس نہیں ہے, اگر کچھ بھی تکلیف نہیں ہے, تو موسٹلی کیا ہے کہ اسٹون آج کل اسی طرح کے آ رہے ہیں, جو بڑے بڑے اسٹون ہیں, جو اسٹون ہے, اس طرح کا پیشنٹ کو کوئی سمٹم نہیں ہے, اس نے الٹرا ساؤنڈ کروایا اور الٹرا ساؤنڈ میں پتہ چلا کہ ان کو بڑا سا اسٹون ہے, 3 سینٹی میٹر 4 سینٹی میٹر کا پورا کڈنی میں پڑا ہوا اسٹون ہے. جو پیشنٹ کو سمٹم آتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے, اسٹون کڈنی اسٹون کے وجہ سے کم سمٹم آتے ہیں. اگر وہاں سے کوئی اسٹون ٹوٹ کے یا اس میں سے نکل کے پیشاب کے راستے میں جا کر پھنسا, جس کی وجہ سے پیشنٹ کو یوریٹرک کولک ہوتا ہے, یعنی کہ یوریٹر میں اسٹون پھنسنے کی وجہ سے اس کو سیویئر پین ہوتا ہے, اور وہ پین کنٹینیوس ہوتا ہے, بیچ میں آئے گا جائے گا, لیکن اس کو اتنا پریشانی ہوتی ہے کہ اس کو ہاسپٹل کا سفر کرنا ہی پڑتا ہے. کبھی کبھی وہی اسٹون وہاں پہ پڑنے کی وجہ سے پیشنٹ کو پیشاب میں بلڈ بھی آتا ہے, پیشاب اس کو انفیکشن بھی ہونے لگتے ہیں, بخار بھی ہونے لگتا ہے. اگر اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں تو بائی ٹائم کڈنی میں سوجن آ جاتی ہے اور پس پڑ جاتا ہے کڈنی میں, اسے لائٹلی لے تو کڈنی اس طرح خراب بھی ہو جاتی ہے. جو موسٹلی ہم لوگ بہت سارے پیشنٹ کو, جو جن کو اویئرنیس کم ہے کڈنی اسٹون کے بارے میں, جو لائٹلی لیتے ہیں ادھر کا میڈیسن ادھر کا میڈیسن کھاتے رہتے ہیں, ان کو ہم لوگ کو کڈنی نکالنی پڑتی ہے آفٹر ڈوئنگ سم رینل اسکین ٹائپ آف انویسٹیگیشن کی کڈنی, اس سے پتہ چلتا ہے کڈنی نہیں کام کر رہی ہے, بہت کم کام کر رہی ہے, اس کو بچانا صحیح نہیں ہے. ویسے کیسز بہت آتے ہیں, اس لیے کہ پیشنٹ کو اگر کمپلین بھی نہیں ہے اور اس کو ویسینٹی میں اسٹون کی کمپلین زیادہ ہے, تو اس کو تھوڑا بھی کوئی کمپلین تو بیٹر ہوگا اس کا الٹرا ساؤنڈ کرا لے, جس سے پتا چل جاتا ہے کہ بیماری کیا ہے. بیماری کیا ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ جڑی ہیں, رضیا بیگم. ہلو. ہلو. ہلو جی رضیا بتائیں کیا سوال ہے. ہمارا پرابلم ہے, ہمارے چاچا ہے نا, تو مطلب ایک مہینہ ہوا سر لگ ہوا ہم کو. جی تو اس کا کچھ علاج ہے کیا ہے ان کو, کیا پرابلم ہے؟
रजिया देखिए, आप सबसे पहले अपनी टीवी की आवाज बंद करिए। जी क्या प्रॉब्लम बताइए उनको, आपके चाचा को? पैरालिसिस। फालिज है, फालिज है। जी अगर आपके चाचा को फालिज है, कब हुआ है फालिज आपको उनको? एक महीना हो रहा। एक महीना, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा वहां पे कोई न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाइए या फिजिशियन को दिखाइए, वो आपको अच्छी तरह गाइड करेंगे कि कैसे पेशेंट को क्या क्या करना है और फालिज की वजह से क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, उसको क्या प्रिकॉशन लेना है, क्या क्या मेडिसिन लेना है और क्या क्या ध्यान रखना है, वो आपको बताएंगे, उनसे आप कंसल्ट कीजिए। जी ठीक है। तेलंगाना से एक और कॉलर हमारे साथ है, मुश्ताक हुसैन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बताएं क्या सवाल है आपका? बता रहा हूँ जी, मैं मुझे हमेशा एक 15 डेज 1 मंथ के लिए किडनी में स्टोन फॉर्म होता है, तो उसे मैं होम्योपैथिक कुछ मेडिसिन है उसे इस्तेमाल करता हूँ तो डिजोल्व हो जाता है। जी डिजोल्व होके वाटर बन जाता है। ये कितना बड़ा स्टोन भी हो, होम्योपैथिक में 3 है, एक बारबरीस, एक कैंथरीस और एक कैंथरीस वल्गारिस। जी ये तीनों मिला के इसको डाइल्यूट करके इस्तेमाल करने से स्टोन जो है डिजॉल्व हो जाता है। जी तो बार बार स्टोन फॉर्म होने से कोई सेहत तो खराब होती है क्या, या फिर डिजॉल्व होके चले जाने से कोई फर्क पड़ता है? सर आपके जो सबसे अल्ट्रासाउंड से ही पता चला होगा आपको, तो सबसे बड़ा स्टोन कितना बड़ा था? वो जो है तो वो कितना बड़ा भी 20 mm भी हो तो वो डिजॉल्व हो जाता है। अच्छा 20 mm तक डिजॉल्व हो जाता है? डिजॉल्व किया है होम्योपैथिक मेडिसिन से। ओके ओके ओके। जी हाँ बारबरीस और कैंथरीस का, हाँ जी दोनों का इस्तेमाल बहुत अच्छा दिखा। सर 20 mm तक के स्टोन अगर डिजॉल्व हो जाता है किसी मेडिसिन से तो इट इज वेरी यूनिक। ऐसा होता नहीं है, मोस्टली 4 mm 5 mm 6 mm के स्टोन होते हैं जो पास हो जाते हैं। 20 mm के स्टोन यूरेटर का खुद का साइज होता है 4 से 5 mm, जो मोस्टली 20 mm स्टोन नहीं निकलते। कुछ स्टोन होते हैं जैसे यूरिक एसिड या सॉफ्ट स्टोन जो होते हैं वो पास हो जाते हैं, तो 20 mm डिजॉल्व होना बाय आयुर्वेदिक मेडिसिन और होम्योपैथिक मेडिसिन इट इज़ वेरी यूनिक एंड आई हैव नेवर सीन। आई एम इन दिस फील्ड फॉर एटलीस्ट 10 ईयर और मैंने कभी नहीं देखा है कि 20 cm तक 20 mm तक डिजॉल्व होकर पास हो गए हों। लेकिन आपको बार बार स्टोन बन रहे हैं तो मैं कहूँगा कि आप प्रॉपर टेस्ट करवाइए कि आपको स्टोन क्यों बन रहे हैं, क्योंकि कभी वो स्टोन आकर फंस गए आपके पेशाब के रास्ते में दैट विल क्रिएट द प्रॉब्लम। तो आप पहले टेस्ट करवा लीजिए, आप मेडिसिन जो खा रहे हैं खाइए, लेकिन आप टेस्ट करवा के पहले देख लीजिए कि व्हाट आर द रीजन फॉर द बार बार स्टोन बनने का। ठीक है। एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं। हेलो। हेलो जी बताएं सवाल। Hello? क्या सवाल है आपका? मैडम मेरे गुर्दे में है, राइट साइड में है, 17 mm की पथरी। मैंने उसके पेशाब के साथ थोड़ा 1-2 बार खून भी आ गया है। जी और अब मैं डॉक्टर के पास गया था जो जम्मू में, तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन करवाना है। जी हाँ, इसलिए मैं चाहता हूँ, मैं डॉक्टर साहब से मशवरा लेना चाहता हूँ कि इसके लिए मुझे क्या करना है। जी बिल्कुल आपको मशवरा मिलेगा। डॉक्टर हिदायतुल्ला ब्रेक पे जाने से पहले हमें कॉल किया था जम्मू से शेख आबिद हुसैन साहब ने, इनका सवाल था कि इनके राइट साइड में स्टोन है और 17 mm का है, तो अब ये क्या कर सकते हैं इसके लिए? आबिद भाई आपको 17 mm का स्टोन है और जिसके वजह से आपको पेशाब में ब्लड भी आया है, यानी कि इसके वजह से आपको सिम्टम भी आ रहे हैं, इसके लिए आपको ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा। 17 mm का स्टोन पास नहीं हो सकता क्योंकि यूरेटर की साइज बहुत छोटी होती है, इसके लिए आपको सर्जरी करानी पड़ेगी। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हो गया है, आजकल मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक से सर्जरी होता है, बहुत की होल टाइप का सर्जरी होता है जिसको PCNL कहते हैं, जिसमें मोस्टली स्टोन निकल जाता है। 17 mm के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेस है। आप और टेक्निक भी जा सकते हैं अगर आपके यहाँ फैसिलिटी हो, जैसे RIRS जिसको कहते हैं, जिसमें भी कोई कटिंग नहीं करने की जरूरत होती है, पेशाब के रास्ते से जाइए, स्टोन को तोड़ना होता है, बालू बनाना होता है, वो छोटे छोटे फ्रैगमेंट को निकाल देना, बाकी सब बालू खुद से पास हो जाते हैं, तो आपको सर्जरी करानी ही पड़ेगी। जी एक कॉलर हमारे साथ है पंजाब से, गुरप्रीत। हेलो। हेलो। हेलो जी गुरप्रीत जी बताएं क्या सवाल है? मैम जैसे मेरे पुत्री है 7.5 mm की, जी तो मैम जैसे ना, जी गुरप्रीत जी सबसे पहले आप अपने टीवी की आवाज बंद करिए। ओके मैम जी। तो
मैम ऐसा है मेरे 7.5 की पथरी है, जैसे मैम मैं दवाई खाता हूँ अभी तक निकली नहीं है जी। तो मेरे को 2 महीने हो गए दवाई खाने दे और मेरा बाथरूम फिजा रहता है जी। आपको 7.5 तो, मैम पथरी कहाँ पे है? सर किडनियों में है और रेते के जैसे छोटे छोटे कण है। किडनी में है और छोटे छोटे कण है, किडनी के रास्ते में तो नहीं है आपको? नहीं सर ऐसा नहीं, डॉक्टर ने को नहीं बोला है कि रास्ते में है आपके जिसको यूरेटर कहते हैं उसमें है? हाँ सर। अच्छा किडनी में सूजन तो नहीं है अल्ट्रासाउंड में जो आपका टेस्ट? थोड़ी से है। नहीं सूजन तो नहीं है किडनी में? है सर थोड़ी से है। थोड़ी सी सूजन है, यानी कि वो पथरी किडनी में है और सूजन बना रहा है, यानी कि वो किडनी के रास्ता पे जाके फंसा हुआ जिसको पीयूजे कहते हैं। अगर वहां पे प्रॉब्लम नहीं आती कुछ भी ऐसे बाथरूम करने में? अच्छा आपको बाथरूम में प्रॉब्लम है, लेकिन आपको दर्द होता है? ऐसा कभी कभी होता है पर इतना नहीं होता। हाँ, इसीलिए हाँ आपको बाथरूम में इसलिए प्रॉब्लम नहीं आती कि वो पथरी किडनी में है। किडनी में पथरी होने से बाथरूम से कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि दूसरी किडनी आपको बराबर काम कर रहा है तो आपको पेशाब होता रहेगा। यही तो पेशेंट को मिसगाइड हो जाते हैं कि ऊपर वाले ने 2 किडनी दे रखी है, अगर एक में फंसा हुआ पेशेंट को कंप्लेन थोड़ा सा है तो पेशाब तो होता रहता है, दूसरी तरफ से पेशाब बराबर आते हैं। जैसे हम लोग किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं, एक आदमी किडनी निकालते हैं दूसरों में डालते हैं, दोनों जिनको निकालते हैं वो भी अपना लाइफ जीतते हैं, जिनको डालते हैं उनके भी अपना लाइफ जीतते हैं, दोनों में एक ही किडनी है। इसलिए आपके किडनी में पथरी 7.5 mm रुक बीच बीच में जाके आपका जो किडनी और यूरेटर के रास्ते हैं पीयूजे हैं वहाँ जाके चिपक रहा है, बंद कर रहा है और जिसकी वजह से प्रॉब्लम कर रहा है, आपको उसको ट्रीटमेंट कराना ही पड़ेगा। इसके भी न्यू टेक्निक्स हैं आजकल ESWL जिसमें बिना ऑपरेशन के शॉक वेव से तोड़ा जाता है पथरी, और दूसरा टेक्निक्स है जिसको RIRS कहते हैं, उससे भी आजकल पथरी निकल जाते हैं और बहुत सक्सेसफुल प्रोसीजर है ये दोनों, जिससे कि स्टोन निकल जाएंगे आपको जी। एक कॉलर हमारे साथ और जुड़े हैं, इमरान। हेलो 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 जी इमरान, बताएं क्या सवाल है? डॉक्टर साहब से जैसे पूछना था, मेरी सिस्टर है उनके किडनी एक्चुअल में दोनों फेलियर हो गई है। मैं कहता हूँ कि मेरी सिस्टर है उनके दोनों किडनी फेल हो गई हैं जी। तो उनके जो है वो हम मैंने डोनेशन के लिए हुआ था कि डोनेट एक कर रहे थे, उनका लड़का दे कर रहा था, उसके बावजूद भी जो है एंड टाइम में डॉक्टर ने चेक करने के बाद में बता दिया कि वो इसकी मैच नहीं कर रही जी। अब वो इस टाइम जो है उनके फिर डायलिसिस चल रही है, पहले हफ्ते 2 बार थी जी, 3 बार थी, अब 2 बार हो गई है जी। हाँ ठीक है, तो तबीयत उनकी आजकल और डाउन होती जा रही है, कितने उनका 7-8 रहता है। उनका ब्लड ग्रुप क्या है? बी पॉजिटिव। और फैमिली में और लोगों का कोई बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है? हाँ है, मेरे भी है, लड़के के भी था। हाँ उसके बी पॉजिटिव जी, बी पॉजिटिव बताइए। देखिए जिनका ब्लड मैच नहीं, लड़के के भी ओ पॉजिटिव था, लड़के के भी उनके भी बी पॉजिटिव था जी। हाँ तो इसमें क्या है कि अगर जिनका ब्लड मैच नहीं कर पा रहा है, जिनका कंपेटेबल नहीं है, आजकल न्यू टेक्निक्स भी यूज होने लगे हैं जिसको ABA इनकम्पेटेबल ट्रांसप्लांट, जिनका मैचिंग नहीं होता उनको भी कुछ टेक्निक्स नया नया आ गए हैं मार्केट में, जो बहुत सारे इंस्टीट्यूट जहां से मैंने ट्रेनिंग लिया जसलोक हॉस्पिटल वहां पे भी ये होते थे, इंडिया में बहुत सारे सेटअप हैं जहां पे ये प्रोसीजर होते हैं, जहां पे आपको अगर मैचिंग नहीं हो रहा है उसके बावजूद भी वो मैचिंग करके, और मैचिंग नहीं मतलब बेसिकली कि उसको किडनी को ऐसे कंपेटेबल कर देते हैं कि आदमी वो किडनी को एक्सेप्ट कर सकता है बाय फॉर्म ऑफ मेडिसिन और प्लाज्मोफेरेसिस। तो आपको एक जो वेल ट्रेंड नेफ्रोलॉजिस्ट जो ABO इनकम्पेटेबल ट्रांसप्लांट करते हैं आपको उनसे कंसल्ट करनी चाहिए, एंड ही विल गाइड यू बेटर, आपको अच्छी तरह वो राय देंगे जी। डॉक्टर हमारे पास वक्त थोड़ा सा कम है, लेकिन चलते चलते एक आखिरी कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। शब्बीर है गुजरात से। हेलो जी शब्बीर साहब, बताएं क्या सवाल है? हाँ मेरे को ये क्रिएटिन में प्रॉब्लम है, क्रिएटिन कम नहीं होती। जी ये मैं 2.5 साल से एलोपैथिक दवा पी रहा हूँ, लेकिन ये क्रिएटिन कम नहीं होती, 1.6 या 7 की होती रहती है, इससे कम नहीं होती जी। आप डायबिटिक हैं सर? हाँ डायबिटिक। ब्लड प्रेशर की बीमारी है आपको? डायबिटिक है और बीपी है, दोनों कंट्रोल में रहती है। दोनों कंट्रोल है अभी।
आपको 6 साल से किडनी का प्रॉब्लम है, आपने अल्ट्रासाउंड करवाया है? नहीं, 6 साल नहीं, 2.5 साल। डॉक्टर हिदायतुल्लाह, वक्त थोड़ा सा कम है तो इनका मुख्तसर सा जवाब देखिए। आपको बेसिकली इसमें पहले तो आपको 2.5 साल से प्रॉब्लम, यानी कि किडनी फेलियर के केस हैं आप, आपका क्रिएटिनिन हाई लेवल पे है, तो आपको प्रॉपर आप 6 और 7 क्रिएटिनिन लेके आप सिर्फ मेडिसिन से काम नहीं चलेगा, आपको इवन डायलिसिस की भी जरूरत पड़ेगी और आपको ट्रांसप्लांट की भी जरूरत पड़ेगी आफ्टर प्रॉपर वर्कअप। तो आपका प्रॉपर डायग्नोसिस बनाने के बाद में ये दोनों प्रोसीजर करने पड़ेंगे। आप एलोपैथी मेडिसिन पे विश्वास ना कीजिए कि वो आपको क्रिएटिन नॉर्मल कर हो जाएगा, उससे आपका सिम्टम कंट्रोल रहेगा ओनली। जी डॉक्टर हिदायतुल्लाह, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम कॉलर्स के सवालों के जवाब आपने दिए, आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सेहतमंद रहिए।